सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और यक्षिणी साधना लेके आया हूँ और इस यक्षिणी साधना को हम सर्वफल प्रदायिनी यक्षिणी के नाम से जानते हैं। ये सभी प्रकार के फलों का को प्रदान करती है, इसीलिए सर्वफल प्रदायिनी यक्षिणी कहा जाता है। यक्षिणी साधना उत्तम साधनाएं होती हैं। इन साधनाओं को करने से निश्चित रूप से सफलता मिलने की गुंजाइश रहती है, जहां बड़े देवताओं को प्रसन्न करने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन यक्षिणी साधनाओं में यक्षिणियों को सिद्ध करना आसान होता है। और जब कोई इन साधनाओं को करता है तो ये भी प्रमाणित कर लेता है कि ये वस्तुएं या ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं संसार में। कोई भी करके देख सकता है यक्षिणी साधना और स्वयं प्रमाणित कर लेगा कि ये ऐसी शक्तियाँ संसार में मौजूद हैं। इसलिए यक्षिणी जो है उनकी पूजा और उनकी साधना का विधान बहुत ही ज़्यादा बढ़ भी गया। और ये यक्षलोक से आती हैं। अभी मैंने कल वीडियो बनाया था तो उसमें यक्षलोक का वर्णन नहीं था, क्योंकि यक्षलोक स्वयं में अपना एक उपलोक है और उपलोक जितने भी हैं उनका वर्णन मैंने उस वीडियो में नहीं किया था। उपलोक बहुत सारे हैं, जैसे किन्नरों का लोक हो गया, गंधर्वों का हो गया, विद्याधरों का हो गया, यक्षों का हो गया, तो अलग अलग तरह के अलग अलग उपलोक भी हैं जो मूल लोकों से अलग हैं, इसलिए उसमें मैंने उसका वर्णन नहीं किया था। यहाँ पर भी जो यक्षिणियाँ होती हैं ये पाताल तक भी जा सकती हैं और ऊपर स्वर्ग तक भी जाने की इनकी क्षमता होती है, इसीलिए इनकी शक्तियाँ तीव्र मानी जाती हैं, जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। और यक्षिणियों की खासियत यह है कि ये प्रत्यक्ष दर्शन भी दे देती हैं, क्योंकि और जहाँ देवी देवता दर्शन प्रत्यक्ष नहीं देते हैं, अलग ढंग की उनकी सिद्धियाँ होती हैं, लेकिन इनकी शक्ति ऐसी होती है कि ये प्रत्यक्ष दर्शन दे सकती हैं। तो आपको जो ये सर्वफल प्रदायिनी यक्षिणी साधना है उसके लिए किस प्रकार से करना है, मैं आपको उसकी विधि बताता हूँ। तो आपको इसके लिए साधना में एकांत जगह को चुनना बहुत ही आवश्यक है, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। अगर आप घर में कर रहे हैं तो ऐसे कमरे का चयन कर दीजिए जहाँ पर आप उस ताले में बंद कर दीजिए उस कमरे को, दरवाजे को, उतने दिनों के लिए जितने दिन आप में साधना करते हैं। इस साधना की विधि के लिए आपको बिना सिलाई वाले लाल धोती कंबल आदि को आपको धारण करना होगा इसमें। और जो औरतें हैं वो साड़ियां पहन सकती हैं, वो लाल रंग की साड़ी पहन के पूजा इसकी कर सकती हैं। याद रखें जो वस्त्र पहनेंगे वो बिना सिलाई वाले होने चाहिए, जैसे लाल धोती कंबल इस तरह का। साधना के समय दीप जो है तेल का जलता रहेगा और जो धूप है इसमें जो आप धूप देंगे वो गुग्गल की होनी चाहिए। दिशा इसके लिए आप उत्तर की ओर जो है मुख करके बैठेंगे और जो आप माला इसमें इस्तेमाल करेंगे वो लाल चंदन की होनी चाहिए। जहां तक हो सके आपको भोजन जो है एक ही बार करना है 24 घंटे में। और लेकिन हाँ, अगर कमजोरी शरीर में महसूस होती है तो आप फल वगैरह ले सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं, लेकिन भोजन एक ही समय करना होता है। बाजोट पर आपको जो है एक लाल वस्त्र बिछा दीजिए, जैसे ज्यादातर सभी साधनाओं में होता है, और उस पर एक दूसरे को काटते हुए त्रिकोण बनाए, जिसे हम मैथुन चक्र भी कहते हैं। एक त्रिकोण जो है आपको बना लेना है उसमें। इस पर जो है ये जो आप बनाएंगे ये आप लाल चंदन या कुमकुम से इसको बनाएंगे। उसके बीच एक सुपारी आप जो है रख लीजिए, उसके दाहिनी ओर एक अन्य सुपारी और मौली बांध करके रख लेनी है। मौली उसके बगल में ही रख दीजिए जिस पर गणेश जी का आपको पूजन करना है। जो मौली होगी उस पे ही गणेश जी का आपको पूजन करना है। उस सुपारी का पूजन जो है पंचोपचार से आपको करना है, जो जिस तरह से विधि विधान होता है साधारण पूजा जो की जाती है। इसमें आपको लाल पुष्प का अर्पण करना है, अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। साधना प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक आपको भूमि शयन और ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से आपको पालन करना है। प्रतिदिन जो है आप मेवा है, मिठाई है, पान है, सुपारी है और इस तरह की जो भी भोग की है जो सामग्रियां होती हैं मीठी, वो आपको भोग लगाने के लिए रखनी है।
भोजन करने ग्रहण करने से पूर्व आप जो है ये यक्षिणी के लिए भोजन और भोग अलग से निकाल कर रख लेंगे, उसका भोग लगाकर आप उस भोग को स्वयं खा लेंगे। देवी को भोग लगाया हुआ भोजन किसी जैसे आप जो है भोग लगाया और उसका बाकी जो हिस्सा आप खा जाएंगे, लेकिन जो देवी को आपने भोग लगाया वो किसी बट वृक्ष के नीचे रख के आ जाएंगे आप, वो जो भोजन रखा होगा। साथ में जो है आप किसी मिट्टी के बर्तन में जल भी रखें और बिना पीछे देखे वापस आना होगा आपको, जो आप इसका मतलब आपको एक प्रकार से भोजन देना है, जो देवी को आपने यहाँ भोग लगाया वो भोग आपको ले जा करके किसी बट पेड़ के नीचे रख देना है, वहां पर एक ग्लास में पानी भी रख लेना है, ये मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें, यानी कि आप भोजन और पानी दोनों आप उस देवी को दे रहे हैं। याद रखें अगर पीछे से कोई आवाज सुनाई पड़े तो पीछे मुड़कर नहीं देखें, यह कर्म तब तक चलेगा जब तक साधना आपकी पूर्ण नहीं हो जाएगी, ये पूर्ण करनी है आपको साधना। तो मंत्र कितने जपने हैं, मंत्र आपको कुल जपने हैं 1,25,000 और 51 माला रोज करना है, तो आप गुणा भाग करके देख लीजिए कि 51 मालाएं आपको इस तरह से रोज जपनी है कि कुल 1,25,000 मंत्र जाप आपका कंप्लीट हो जाए बिना नागा किए प्रतिदिन, ये आपको कार्य करना है। ये एक साबर मंत्र है और इस साबर मंत्र इस तरह का है, ओम श्री काक कमल वर्धने सर्व कार्य सर्वाथान देहि देहि सर्व सिद्धि पादुकायम हं छं श्री द्वादशान दायिने सर्व सिद्धि प्रदाय स्वाहा। तो इस मंत्र का आप 1,25,000 जाप करेंगे और इसके अंत में गेहूं और चने मिलाकर 10वां हिस्सा आपको हवन करना होगा, यानी कि लगभग 12,500 मंत्रों का आपको हवन करना होगा, दशांश हवन इसी को कहा जाता है। तो घी में जो है आपको गेहूं और चने आपको मिला लेना है और हवन इससे करना है। हवन की रात्रि साधना कक्ष में ही आपको सोना है और देवी प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहे तो आप अपनी इच्छा से वर मांग लें, जो भी वर आपको मांगना है। देखिए बहुत बड़ा वर देवी नहीं दे पाएंगे लेकिन छोटा मोटा वर आप ले सकते हैं जैसी आपकी सामर्थ्य हो। इस प्रकार साधना सिद्ध हो जाती है और साधक की हर कामना ये देवी पूर्ण कर सकती हैं। साधना समाप्ति के बाद समस्त पूजन की हुई जो सामग्री है वो बाजोट पर बिछे जो लाल वस्त्र है उसमें बांध कर जल में प्रवाहित कर दें अथवा किसी ऐसे निर्जन स्थान पर छोड़ दें जहां पर कोई ना हो। इस प्रकार से ये सर्वफल प्रदायिनी यक्षिणी साधना संपन्न हो जाती है, शक्तिशाली साधना है यक्षिणी की और देवी के रूप में की जाती है। तो इस प्रकार से करने पर आपको निश्चित सफलता की प्राप्ति होगी। तो अगर आपको ये जानकारी और ये साधना पसंद आई हो तो जरूर प्रयोग करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।